नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं निकाह काल के लिए मतलब 7 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। इसमें मैंने चार्ट का और प्रोबेबिलिटी देखूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। और मैंने रेगुलर बेसिस पे बाई लेवल, सेल लेवल ऑफ इक्विटी, कमोडिटी निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी इक्विटी कैंडलस्टिक पैटर्न, इनसाइड द बार, NR4 NR7 देता हूँ। उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो फाइनेंशियल लेवल कम स्किनर है, उसका आप जिसका थ्रू में मैंने आप लोग को लेवल देता हूँ, उसमें क्या क्या है और उसमें कैसे स्क्रीन करना है, उसका वीडियो भी आप लोग जो जरूर देखिए। इसका परफॉर्मेंस का वाला वीडियो जो है वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आप उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा ज्वाइन हो सकता है, उसका लिंक भी आप लोग को यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका ये सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को ये फाइल कैसे यूज़ करना है और कैसे आप लोग को काम पे आ सकता है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए मैंने निफ्टी 50 का चाहे तो इधर देखिए बुलिश जब रिवर्सल हुआ था उसके बाद से ये लगातार ऊपर ही गया है। तो अभी भी जो चार्ट का जो पोजीशन है इसमें ये ऑलमोस्ट इसका अभी भी इसका रेजिस्टेंस के पास गया नहीं है। तो रेजिस्टेंस के पास ही आ सकता है। 200 का लेवल अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया, 200 का लेवल ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो इधर इसका रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस इधर मिलेगा, इसका इधर मिल जाएगा, मतलब 12283 में तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद ये 12300 तक इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद इसके इतना तक ये आ सकता है फिलहाल। और चार्ट का जो पोजीशन देख रहा है तो ऐसे ही इंडिकेट कर रहा है, कुछ इधर ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है। बीच बीच में कंसोलिडेशन आएगा, लेकिन नीचे से मतलब बॉटम से बाई करना, और यही आप लोग को जब जब नीचे आएगा तो उधर से बाई करना, यही अभी स्ट्रैटेजी होना चाहिए निफ्टी का केस में। और बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही है। तो बैंक निफ्टी का भी दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का भी सेम चार्ट पैटर्न है। इधर 31,500 के ऊपर भी गया नहीं पाया, तो 31,500 तक जा सकता है। उसके बाद ये 31,000-32,000 के आसपास जा सकता है। इधर भी जो चार्ट का जो पोजीशन दिख रहा है तो ये ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है। तो ऊपर जाने का जो ये इंडिकेट कर रहा है तो वही उनके, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ सकता है। तो इसका आप उधर से इधर देखिए, इधर सपोर्ट है 30,900 के आसपास वाट सपोर्ट है। इसके बाद 30,500 के आसपास सपोर्ट है। तो सपोर्ट के आसपास ये आने का बीच बीच में आएगा, लेकिन कंसोलिडेशन होगा और ऊपर जाएगा, मतलब जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा होने का, ऐसा मूवमेंट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और निफ्टी का मैंने देखिए ऑप्शन चेन देखूँगा तो इधर PCR ratio 1.27 है, तो ये और भी ऊपर जाएगा, एटलीस्ट 1.50-1.60 के आसपास जाएगा ये PCR ratio। और इधर लेकिन कंसोलिडेशन जरूर होगा, आप लोग जानते हैं मार्केट एक साथ रिटर्न रैली नहीं करता है। तो इधर 12,200 में इसका रेजिस्टेंस बना है। इधर कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और 12,000 में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है इसका पुट साइड में, और इधर सपोर्ट हुआ है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ऐसे ही ट्रेंड चलेगा, बीच बीच में इधर कुछ शॉर्ट कवरिंग आएगा, इधर कुछ लॉन्ग अनविंडिंग होगा, कॉन्सेशन होगा, लेकिन ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। मतलब नीचे ब्रेकआउट होने का, ब्रेकडाउन होने का प्रॉबिलिटी कम ही है। कॉन्सेशन और अप ट्रेंड ऐसे ही ट्रेंड लगता है। और
बैंक निफ्टी का जो पिला है ये 1.17 है, और इधर कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 1500 में, रेजिस्टेंस बना है फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद सपोर्ट बना है पुट साइड में, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 31,000 में है। इधर शॉर्टिंग हो रहा है, कुछ हेवी शॉर्टिंग हो रहा है तो कुछ शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, इसके वजह से कुछ नीचे आ सकता है, लेकिन आप ट्रेंड इसका अभी आप ट्रेंड आप ही रहेगा। और इधर प्रोबेबिलिटी देखूँगा तो प्रोबेबिलिटी इधर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आप ट्रेंड में दिखा रहा है 7 दिन का हिसाब से। तो मैंने बाई लेवल सेल लेवल दिखा देता हूँ, बाई लेवल सेल लेवल रात में दे दूँगा आप लोग को, वो भी आप लोग ट्रैक रखेंगे तो उधर निफ्टी का बैंक निफ्टी का मूवमेंट आप लोग को ट्रैक रखना का सुविधा हो जाएगा। आप लोग को जो अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो इन सब लेवल पे आप लोग, लेवल सबसे ज़्यादा जरूरी है एंट्री पॉइंट, तो इधर आप लोग को जब लेवल मिल जाएगा तो आप लोग तो वाइट रात में मैंने वाई लेवल सेल लेवल दिखा दूंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद।